मथुरा के जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में छात्र छात्राओं के लिए लैपटॉप वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण और बाल विकास आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा उपस्थित रहे। इस अवसर पर उन्होंने दर्जनों छात्र छात्राओं को लैपटॉप देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान चौधरी लक्ष्मी नारायण ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और किसी भी कार्य को करने के लिए युवाओं की भागीदारी है, तो युवाओं को बेहतर शिक्षा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लैपटॉप वितरित किए जा रहे हैं जिससे कि वह बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। साथ ही चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि सभी बच्चे जिनका कोरोना काल में माता पिता का साया उठ गया था, इस समस्या के चलते अपनी शिक्षा को आगे जारी नहीं रख पा रहे थे। इसी क्रम में आज छात्र छात्राओं को कलेक्ट्रेट सभागार में लैपटॉप दिए गए हैं। लैपटॉप पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। हमारी तरफ से आप सभी को आपके भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट। होपफुली आप लोग आगे बढ़कर अपना नाम रोशन करेंगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वर्ष में नौजवानों का प्रदेश और उत्तम प्रदेश आज उत्तर प्रदेश। राहुल गांधी की सत्ता खत्म हो गई है, कांग्रेस लगातार सत्ता का दुरुपयोग कह रही है कि देखिए ये तो कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट के निर्णय के ऊपर कोई टिप्पणी की नहीं जा सकती। अब यदि बहुत से लोग अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझते हो, न्यायालय के ऊपर समझते हो, तो बात अलग है। बाकी वो भाजपा पर आरोप लगा दिया सत्ता का दुरुपयोग करी, मशीनरी का। भैया सत्ता का दुरुपयोग कहाँ है, वो तो अच्छा रहा एक जहाँ ये निर्णय हुआ वहाँ हमारी सरकार नहीं थी, ये तो अच्छा रहा। यदि यहाँ उत्तर प्रदेश में होता तो ये योगी जी के मत्थे ही मर जाता। धन्यवाद द्वारा, जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी बच्चों और महिलाओं के प्रति काफ़ी संवेदनशील है, और उनकी संवेदनशीलता इस बात को सिद्ध करती है कि जब कोरोना रूपी महामारी थी तो बच्चों की चिंता, बच्चे अनाथ हो गए थे, उनकी चिंता करने का काम सरकार कर रही है, और आज उसी कड़ी में बच्चे पढ़ें, उनके लिए 4000 रुपया जो महीना दिया जा रहा है उसके साथ साथ उनको पढ़ने के लिए लैपटॉप दिया जा रहा है। अभी टोटल तो संख्या मुझे काउंट नहीं है, अभी अधिकारी बताएंगे, लेकिन अधिकतर बच्चों को हमने लैपटॉप दिया है। तो क्या सुविधाएं इन्हें मिलेंगी भविष्य में इस बच्चों को? भविष्य में मैंने कहा है, क्योंकि मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, मैंने सभी बच्चों को 184 बच्चे हमारे जो 4000 रुपया मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत पा रहे हैं और 317 बच्चे जो 2500 रुपया पा रहे हैं, उन सब बच्चों से मेरा यही कहना है कि उनका एक भाई मथुरा में रहता है, जब भी उनको कोई भी समस्या हो वो मेरे से या मेरे जिला प्रोबेशन अधिकारी से मिल सकते हैं, उनकी कोई भी समस्या होगी उसको हम हल करने के लिए तत्पर हैं।